नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के आते ही केजरीवाल की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। दरअसल अगर बात की जाए तो आज संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पेश हो गया है और इस बिल को लोकसभा में पेश करने के साथ ही जो है स्थायी समिति के लिए जो है भेज दिया गया है, स्थायी समिति में भेज दिया गया है। और सरकार का इसके लिए कहना है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद बिजली उपभोक्ताओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा और साथ में ही इस बिल की वजह से बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा रहेगी जिसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि लोकसभा में पेश करते समय विपक्ष पार्टी ने इसका विरोध जताया और अब केजरीवाल की भी बौखलाहट साफ तौर पर उसमें देखी जा रही है और लोकसभा में सरकार और विपक्ष ने इस बिल को लेकर अपने अपने पक्ष रखे। और इतना ही नहीं, स्थायी समिति की ओर से भी इसमें कई सुझाव दिए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस बिल को पेश होने से पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को पेश होने से पहले केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि आज लोकसभा में ये जो संशोधन बिल लाया जा रहा है, कानून बेहद खतरनाक है, इससे देश में बिजली की समस्या सुधरने की बजाय और गंभीर होगी। ये पहले प्रिडिक्शन कर दी है केजरीवाल ने और ये कहा है कि इससे लोगों की तकलीफ बढ़ेगी, केवल चंद कंपनियों को फायदा होगा। मेरी केंद्र से अपील है कि इसे जल्दबाजी में ना लाया जाए। तो यहाँ पर सवाल केजरीवाल से कि वो चंद कंपनियों को फायदा तो आपकी आबकारी नीति के तहत हुआ था, जिसको हमने देखा कि कभी आप कहते हैं कि इससे हजारों करोड़ का फायदा हुआ, फिर एकदम से यू टर्न लेकर के कहते हैं कि इससे हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। दरअसल क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इस बिल के तहत मोबाइल पोर्टेबिलिटी की तरह अब डिस्कॉम पोर्टेबिलिटी भी संभव है और इससे बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा भी मिलेगी और बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा रहेगी जिससे उपभोक्ताओं को खास तौर पर इस चीज़ का फायदा मिल सकता है। और बिजली कंपनी जो है बिना बताए बिल अगर बिजली काटती है तो उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा। तो बड़ी बात इस बिल में यह है कि अगर बिना बताए जिस तरह के बिजली के कट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कट्स किए जाते हैं, उसके लिए अब बिजली कंपनियों को हर्जाना देना पड़ेगा। और इसके अलावा प्रस्तावित जो संशोधन है उससे डिस्कॉम्स को लाइसेंसिंग जो उसकी है वो समाप्त हो जाएगी और साथ ही अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी देते हैं तो ग्राहक को जो उपभोक्ता है उनको सस्ती बिजली भी मिलेगी। और इस कानून में बिजली की अपीलीय न्यायाधिकरण को मजबूत करने और नई तरह की जो है नवीनीकरण जो खरीद की प्रतिबद्धता है उसको पूरा नहीं करने पर जुर्माने का भी इस बिल में प्रावधान लाया गया है। तो ये उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है और साथ ही में वहीं इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की भी स्थापना की जाएगी इस बिल में कहा गया है और साथ में बिजली कनेक्शन मिलना लोगों के लिए आसान हो जाएगा और जो समय सीमा तय की गई होगी उसी में बिजली कनेक्शन मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग के चलते जो है काफ़ी सारी राहत भी दी जाएगी। मेट्रो शहर की अगर बात की जाए तो उसमें 7 दिन, नगर पालिका वाले शहरों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर कनेक्शन लग जाएंगे, ये बातें कही गई हैं इस बिल में। और वहीं बात की जाए तो लोगों के लिए सेवा और सुविधाओं का जो है विस्तृत खाका इसमें तैयार किया जाएगा। मकान मालिक के नाम पर ही कनेक्शन रहेगा और इसमें फर्जी कनेक्शन को जो है साफ तौर पर रोका जा सकता है, बड़ी बातें इस बिल की। और वहीं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर अगर देखा जाए तो विपक्ष की ओर से विरोध देखने को मिल रहा है, जैसे लगातार किसी भी बिल पर विपक्ष का विरोध रहता है। और सरकार ने इसमें कहा कि इसमें जो है किसी सब्सिडी को खत्म नहीं किया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है और यहाँ तक कि राज्य जो फ्री बिजली देना चाहते हैं वो दें, लेकिन राज्य जब जितना चाहें सब्सिडी दे सकते हैं। किसानों के लिए भी किसी प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो विपक्ष की तरफ से एक और जो झूठ फैलाया जा रहा था इसमें चेंज करने का, उसको क्लियर किया है केंद्र सरकार ने। और वहीं निजी क्षेत्र के उनके जो है रेगुलेशन के लिए एक मजबूत इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का भी इसमें प्रावधान है, ये बड़ी बातें इसमें सरकार की तरफ से की गई। और साथ में ही ये कहा गया कि जो है टेलीकॉम जैसी स्थिति ना हो। और इसके अलावा सरकार ने इसमें ये दलील रखी है कि इस बिल से क्रॉस सब्सिडी से बिजली कंपनियों को जो फायदा मिलता है उस पर लगाम लगेगी और डिस्कॉम्स को पेमेंट नहीं चुकाने पर पेनल्टी का भी इसमें प्रावधान किया है। तो ये बड़ी बातें उन बिजली कंपनियों के लिए। और वहीं सरकार की कोशिश है कि टेलीकॉम जैसी स्थिति पावर में ना आए, इस पावर में ना हो, इसके लिए रेगुलेटर को फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस जो है तय करने की छूट दी गई है। और वहीं बात की जाए अगर रिन्यूएबल परचेज फ्रेमवर्क को, इसमें और भी ज़्यादा
ज़्यादा मजबूत किया गया है, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया इस बिल को पेश करते हुए। और वहीं इस बिल का विरोध कर रहे जो है किया जा रहा है सरकार के लिए, और विरोध जताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे एक ही दिन में कई तरह के पावर टैरिफ होंगे, यानी कि डिमांड के आधार पर एक ही दिन में बिजली की अलग अलग दर हो सकती है, जिसको अभी केंद्र ने स्पष्टीकरण के लिए आगे भेज दिया है। और केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अलग अलग पावर टैरिफ प्लान हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी सुझाव जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ने दे दिया है। TOD यानी कि टैरिफ ऑफ डे की सिफारिश की गई है, और ऊर्जा मंत्रालय रिटेल कंज्यूमर के लिए TOD लागू करने की तैयारी जो है इसमें कर रहा है। और स्टैंडिंग कमेटी ने कॉस्ट के हिसाब से पावर टैरिफ निर्धारित करने की भी इसमें सिफारिश की है। और स्टैंडिंग कमेटी पावर सप्लाई में स्थिरता लाने के लिए पावर एक्सचेंज को ज़्यादा मजबूत बनाने के पक्ष में केंद्र सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल को लाया है। और वहीं पावर एक्सचेंज पर अभी भी कुल ज़रूरत का महज 6% बिजली की ट्रेडिंग होती है। और कमेटी ने टैरिफ में पारदर्शिता लाने के लिए देश में कई पावर एक्सचेंज शुरू करने की भी इसमें सिफारिश की है। और वहीं बात की जाए तो केजरीवाल की तरफ से ये बिल पेश होने से पहले ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला गया, और ये कहा गया कि केवल चंद कंपनियों को फायदा होगा। तो यहां पर चंद कंपनियों के फायदे की बात करने वाले केजरीवाल, जब उनसे सवाल किया जाता है आबकारी नीति को लेकर, तो उस पर उनकी चुप्पी साफ तौर पर देखने को मिलती है। वहीं इस मामले में भगवंत मान भी कूद चुके हैं, बाकी विपक्षी नेता भी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो स्टैंडिंग कमेटी की ओर इस बिल को भेज दिया गया है, तो साफ तौर पर इस बिल से को पेश करने के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसमें यही कहा जा रहा है कि इससे सारा जो फायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा है, उपभोक्ताओं को होगा। और जो फालतू के बिजली कट्स होते हैं बिना बताए हुए, जो है अननोटिस्ड इलेक्ट्रिसिटी कट्स होते हैं, उसका हर्जाना अब इन बिजली कंपनियों को देना पड़ेगा। और वहीं प्राइवेटाइजेशन की बात करने वाले केजरीवाल खुद उस चीज़ को भूल गए हैं जो कुछ महीने पहले उन्होंने आबकारी नीति के तहत तमाम सरकारी दुकानें जो थी उन सब दुकानों को, 100% दुकानों को दिल्ली में बंद कर दिया था। और उसके बाद जिस तरह से खुलासा हुआ, उसके बाद दिल्ली सरकार ने इसको नीति को वापस लिया। तो बाकियों को पाठ पढ़ाने वाले, प्राइवेटाइजेशन का पाठ पढ़ाने वाले अरविंद केजरीवाल को एक बार खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। लगातार दिल्ली में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हालात बने हुए हैं, दिल्ली की जनता त्रस्त है, और बिजली बिल को लेकर लगातार खोखले वादे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, उसको लेकर पहले से ही विवादों में गिरी हुई है अरविंद केजरीवाल की सरकार। दरअसल जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जाकर कहा जाता है कि हम दिल्ली में फ्री बिजली बांट रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता हमें सच्चाई दिखाती है। अपने फोन से वो हमें मैसेज दिखाती है जिसमें उनकी 12,000 की बिजली का बिल आ रहा है, किसी की 15,000 बिजली का बिल आ रहा है। तो यहाँ पर जो फ्री बिजली का दावा ठोकने वाले अरविंद केजरीवाल, उसके बाद से लगातार सवालों के घेरे में। और ऐसा नहीं है कि ये खुलासा अभी हुआ है, एक लंबे समय से जिस फ्री बिजली की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते आए हैं उसका पर्दाफाश दिल्ली की जनता ने किया है। और अब इस मामले में जब अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको पहले ही जो है केजरीवाल की तरफ से उसमें विरोध किया जा रहा है। हालांकि इस बिल को भी स्टैंडिंग कमेटी के लिए उनके पास भेज दिया गया है, लेकिन इस पर साफ तौर से बौखलाहट अरविंद केजरीवाल की देखने को मिल रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ऐसा मानना है, जैसा कि लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का मानना है कि फ्री बिजली पानी की राजनीति पर उनका कॉपीराइट है, इसीलिए बिजली पर कोई भी अगर सरकार, जैसे केंद्र सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो यकीनन अरविंद केजरीवाल जो है उससे काफी खफा होंगे, और वो साफ तौर पर उनके जो है इस सोशल मीडिया पोस्ट से देखने को मिल रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, जो ये बिल लाया जा रहा है इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो वादा किया गया है कि उपभोक्ताओं को इसका काफी फायदा होगा और कंपटीशन जो है वो बिजली देने वाली कंपनियों के बीच में होगा, जिससे
जो रेट हैं वो रेट कम हो सकते हैं ग्राहकों के लिए। जैसा हमने देखा था ऐसा रेवोल्यूशन कुछ साल पहले आया था मोबाइल कंपनीज की तरफ से, जब इस देश में 4G लॉन्च किया गया। जिस तरह से एक समय था जब हम 2G नेट के एक महीने के लिए 200 रुपये देते थे, और उसके बाद हमने देखा किस तरह से रेवोल्यूशन आया जब कंपटीशन कंपनीज के बीच पड़ा। तो आज की डेट में हम 2 GB प्रतिदिन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हर महीने की बात की जाए तो हमें कॉस्ट उतनी ही पड़ रही है। अगर बात की जाए डेटा प्लान की, तो जितना हम डेटा प्लान एक महीने में इस्तेमाल करते थे इतना हम आज एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉस्ट उतनी की उतनी ही है। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने का प्रयास किया कि केंद्र सरकार का इसमें जो बिजली का अमेंडमेंट बिल है इसको लेकर के किस तरह से कंपनीज में कंपटीशन रहेगा और कैसे उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा, उसके लिए आपको जो है हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये जिस तरह से मोबाइल में सिम में रेवोल्यूशन आया था उसको लेकर के एग्जाम्पल दिया। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है कि जिस तरह से बुखलाहट कुछ विपक्षी दलों में खास तौर पर आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है, इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।